हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल और इन दिस लेक्चर. द सब्जेक्ट इज सेम, दैट इज हाईवे इंजीनियरिंग, बट न्यू यूनिट और यू कैन से अ न्यू चैप्टर इज टू बी स्टार्ट इन दिस वीडियोस और लेक्चर. द नेम ऑफ यूनिट और द नेम ऑफ चैप्टर इज कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, पेवमेंट्स एंड मटेरियल्स. ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, पेवमेंट एंड मटेरियल्स. ठीक है ना? तो इससे पहले वाले वीडियो में हम बात कर चुके हैं 9 वीडियो के हेल्प से, यूनिट 1, 2 और 3. ठीक है, ये नया यूनिट है, आज फ्रेश यूनिट है, आज पहला क्लास है 4th यूनिट का, जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड रोड्स पेमेंट एंड मटेरियल्स. नाम में छिपा हुआ है यूनिट के, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड. किस चीज़ का कंस्ट्रक्शन? रोड का. पेमेंट एंड मटेरियल्स. ठीक है ना? पेमेंट मतलब क्या होता है? बार बार एक ही बात को फिर से हम दोहरा देते हैं. पेमेंट दो तरह से होता है, फ्लेक्सिबल और रिजिड. है ना? तो उन चीज उन वाले कंस्ट्रक्शन में, उस रोड के कंस्ट्रक्शन में किन किन मटेरियलों का यूज होता है, किन किन मटेरियल्स का हम सहारा लेके हेल्प से हम रोड को बना रहे होते हैं, राइट? उससे पहले हम एक बात और बता दें कि अटेंडेंस भी प्लीज़ इन कन्फर्म योर अटेंडेंस इन ओनली कमेंट बॉक्स, अदरवाइज इन योर लाइव चैट द अटेंडेंस शुड बी डिसअपियर आफ्टर द सेशन और प्रीमियर इज ओवर. ओके, दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज़ कन्फर्म योर अटेंडेंस इन ओनली ऑन कमेंट बॉक्स. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. 4.1, दैट इज टाइप्स ऑफ रोड्स, मटेरियल्स एंड टेस्ट्स. लेट्स लुक. द चैप्टर नेम इज कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, पेवमेंट्स एंड मटेरियल्स. इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं? द सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स दैट आर यूज फॉर हाईवे कंस्ट्रक्शन आर सॉइल्स, एग्रीगेट्स, सीमेंट्स, बिटुमिन, सैंड, फ्लाई ऐश एंड सर्टेन स्टेबलाइजिंग केमिकल एटसेट्रा. मतलब सिविल इंजीनियरिंग के मटेरियल जो कि किसी हाईवे को बनाने के लिए मदद करता है, क्या है? मिट्टी, एग्रीगेट मतलब कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, ठीक है, सीमेंट मतलब सीमेंट, बिटुमिन मतलब जिसको आप डामर अलकतरा बोलते हैं, ठीक है ना, सैंड बालू, फ्लाई ऐश मतलब फ्लाई ऐश कॉन्क्रीट का नाम सुने होंगे जो कि आप सीमेंट में यूज करते हो, ठीक है ना, अब दौरान फ्लाई ऐश कॉन्क्रीट, फ्लाई ऐश सीमेंट, है ना, एंड सर्टेन स्टेबलाइजिंग केमिकल्स. और कुछ केमिकल्स होते हैं जिसके सहारे हम क्या कर रहे होते हैं, रोड को बना रहे होते हैं या हाईवे को बना रहे होते हैं. वेयर इज सॉइल इज एसेंशियली अ पार्ट ऑफ सबग्रेड. सबग्रेड एग्रीगेट इज यूज्ड आइदर अ बेस कोर्स और एज अ पार्ट ऑफ पार्ट पार्सल ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट. ठीक है, ये सब यूज हो रहा होता है किस में? सीमेंट कॉन्क्रीट में. सैंड कैन बी यूज्ड इन सीमेंट कॉन्क्रीट और इवन इन बिटुमिनस सर्फेसिंग. फ्लाई ऐश इज यूज्ड एज रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट. डायरेक्टली रिप्लेस नहीं कर सकते हैं फ्लाई ऐश को, ठीक है ना, फ्लाई ऐश कॉन्क्रीट हम मात्रा चेंज कर सकते हैं. हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मात्रा बढ़ाते हैं, किसकी? फ्लाई ऐश की. किसमें? सीमेंट में, ठीक है ना. तो अभी अभी बहुत सारा सीमेंट के पैकेट ऐसे होते हैं फ्लाई ऐश बेस्ड होता है, उस पर पैकेट पे लिखा हुआ रहता है. एंड स्टेबलाइजिंग केमिकल्स आर यूज्ड फॉर स्टेबलाइजिंग द बेस. स्टेबलाइज द बेस, बेस को स्टेबलाइज करने के लिए हम कुछ अलग अलग केमिकल्स का भी यूज करते हैं. मटेरियल्स दैट आर यूज्ड आर नो डिफरेंट फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग कंस्टिट्यूट मटेरियल्स. सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज एंड परफॉर्मेंस आर एक्सपेक्टेड वेन दे आर यूज इन हाईवे इंजीनियरिंग. क्या होता है कि ये सब चीज़ें क्या होता है, सिविल इंजीनियरिंग के कंस्टिट्यूट्स मटेरियल्स है जो हमारे पेमेंट को या रोड कंस्ट्रक्शन को या हाईवे कंस्ट्रक्शन को बनाने में मदद करता है. आगे है, अगर मेन टॉपिक पे अब हम आ जाएं, जिसको 4.1 बोल सकते हैं, टाइप्स ऑफ रोड मटेरियल्स एंड टेस्ट. तो उससे पहले हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ रोड मटेरियल्स ही सिर्फ पढ़ेंगे. द फॉलोइंग आर डिफरेंट मटेरियल्स यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स. रोड की कंस्ट्रक्शन में ये चार चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है. कौन कौन सी? सॉइल, एग्रीगेट, सीमेंट एंड बिटुमिन. सॉइल क्या होता है? मिट्टी. एग्रीगेट क्या होता है? कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, सीमेंट तो आप जानते ही हो, और बिटुमिन जो अलकतरा, डामर जिसको अलग अलग भाषा में बोला जाता है, राइट? आगे आगे देखते हैं. आगे पहला पॉइंट है सॉइल. सॉइल का अगर डेफिनेशन की बात करें, द अनकंसोलिडेटेड मिनरल मटेरियल ऑफ अर्थ क्रस्ट इज नॉन एज सॉइल. अनकंसोलिडेटेड मिनरल मटेरियल मतलब क्या हो गया कि अब एक बार बताओ कि कभी भी बालू को देखे हो कि पानी में घुल गया है, जीरो हो जाए, नमक के जैसा? नहीं. चीनी के जैसा? बिल्कुल नहीं. तो ये अनकंसोलिडेटेड है. और क्या है, इसे कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? अर्थ क्रस्ट से. सॉइल इज ऑल्सो डिफाइंड एज सेडिमेंट्स और अदर कंसोलिडेटेड एकोमोलेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, फिजिकल एंड केमिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स विच मे नॉट कंटेन मैटर, ऑर्गेनिक मैटर. मतलब क्या है डिसइंटीग्रेशन? मतलब टूटना. रॉक्स को अगर टूटेगा तभी तो वो क्या बनेगा,
बालू वगैरह बन रहा होता है, राइट, या सैंड बन, सॉइल बन रहा होता है, ठीक है, सॉइल का भी पार्ट है, ठीक। अगर हम लास्ट वाले पॉइंट का अगर बात करें तो विच मे नॉट ऑर्गेनिक, विच मे नॉट कंटेन ऑर्गेनिक मैटर, जरूरी नहीं है कि हर सॉइल ऑर्गेनिक मैटर को कंटेन कर रहा होगा, ठीक है ना, जरूरी बिल्कुल नहीं है, कभी हो सकता है कि ऑर्गेनिक मैटर कंटेन कर रहा हो, कभी हो सकता है कि नहीं कर रहा हो, ठीक है। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ सॉइल्स। पहला है टू प्रोवाइड एडिक्वेट सपोर्ट्स टू द रोड पेवमेंट, दूसरा है टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द रोड पेवमेंट, तीसरा है टू प्रोवाइड गुड ड्रेनेज। टू प्रोवाइड एडिक्वेट सपोर्ट टू द रोड पेवमेंट मतलब क्या हो गया, सपोर्ट सहारा देता है, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी भी प्रदान करता है कौन, सॉइल, किसको, रोड को, कोई भी पेवमेंट को, ठीक है। टू प्रोवाइड गुड ड्रेनेज, ड्रेनेज भी, ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसके लिए, हमारे रोड के लिए। चलिए रिजिड पेमेंट के लिए तो नहीं होता है, लेकिन फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है ना। और हाईवे वगैरह हमेशा फ्लेक्सिबल बना हुआ रहता है, तो हम हमेशा चाहेंगे कि ड्रेनेज जो है सबसे अच्छा हो, तो उसके लिए भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या होता है, एक फंक्शंस है, ड्रेनेज एक फंक्शंस है किसका, सॉइल का। टाइप्स ऑफ सॉइल ढेर सारे टाइप्स के होते हैं, अगर पहला का बात करें तो क्ले, तो क्ले के बारे में जान लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ एलुमिना मिक्स्ड विद सिलिका एंड अदर मिनरल्स डेराइव फ्रॉम वेदरिंग ऑफ रॉक्स। व्हाट वी मीन बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स, नाम में छिपा हुआ वेदरिंग, द वेदर कंडीशन, और एक होता है कि डिसइंट्रीगेशन, टूटना फूटना। अब टूटना फूटना भी वेदर कंडीशन से भी होता है और बाकी दूसरे भी कंडीशन से होता है, हम बात कर रहे हैं वेदरिंग से। अगर मान लो बारिश के मौसम में बारिश और धूप के मौसम में, गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा धूप और ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंड अगर रॉक्स पे पड़े, किसी भी चट्टान पे पड़े, तो वो क्या हो जाएगा, क्रैक डेवलप हो जाएंगे और छोटे छोटे पार्टिकल्स में बढ़ जाएंगे, तो उसी को तो क्ले बोल देते हैं। क्ले की पार्टिकल की साइज अगर बात करें तो 0.002 mm से नीचे, लेस देन 0.002 mm के नीचे वाले को हम क्ले के अंतर्गत रख रहे होते हैं। इट बिकम्स प्लास्टिक वेन मॉइस्ट, श्रिंक ऑन ड्राइंग एंड स्वेल्स वेन वी वेट बाई एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। मतलब अलग अलग एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अगर एब्जॉर्ब करेगा वाटर कौन, सॉइल, तो अलग अलग चेंजेज आएंगे। अगर वो इफ इट बिकम्स प्लास्टिक व्हेन इट मॉइस्ट, अगर थोड़ा सा नमी आए तो वो प्लास्टिसिटी हो जाता है, ठीक है ना, प्लास्टिक फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। अगर वो सूखा हो गया, ड्राई हो गया, तो श्रिंक हो जाता है, और अगर वो पूरा पानी से भींग गया तो वो क्या हो जाता है, सॉइल हो जाता है, ठीक है। और इसका कलर क्या क्या हो जाता है क्ले का, वाइट, येलो और रेड, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप में आते हैं सॉइल के, नेक्स्ट टाइप में आते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल। तो ब्लैक कॉटन सॉइल, इट इज़ अ कंपोजिट सॉइल फॉर्म बाय द कंटिन्यूड वेदरिंग ऑफ रॉक्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड। क्या है, इट इज़ कंपोजिट सॉइल फॉर्म, कैसे बना हुआ रहता है, बाय द कंटिन्यूड वेदरिंग ऑफ रॉक फॉर अ लॉन्ग पीरियड। बहुत लंबे समय तक अगर वेदरिंग का इफेक्ट पड़ रहा होता है तो ब्लैक कॉटन सॉइल बनने का संभावना बढ़ सकता है। इट कंटेन्स अबाउट 40-50% ऑफ क्ले एंड 4-8% ऑफ अ ह्यूमस। इट इज़ अ ब्लैक और ब्लस ब्लैक, ठीक है ना, इन कलर, ये कलर है, कोई बड़ी बात नहीं है इसको, तो ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है ना। ब्लैक कॉटन सॉइल में सबसे ज़्यादा पता है क्या होता है, रुई की खेती होती है, ठीक है ना, रुई की खेती बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, ब्लैक कॉटन सॉइल की तरफ। आगे बढ़ते हैं, जूट भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं सिल्ट, व्हाट इज सिल्ट, इट इज़ अ वेस्ट कैरीड मड कंटेंस एंड इंटीमेट ऑफ क्ले सैंड पिट एटीसी एटसेट्रा। मतलब ये किस किस चीज़ का कॉम्बिनेशन हो रहा होता है, कैरीड मड, ठीक है ना, कंटेंस इन इंटीमेट ऑफ क्ले, क्ले भी रहता है, ठीक है, सैंड, तो इन चीज़ों को कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, सिल्ट बनता है। इट्स ग्रेन साइज वेरीज फ्रॉम 0.002 mm टू 4.75 mm, मतलब 0.002 mm से लेकर 4.75 mm के बीच के पार्टिकल्स को हम क्या करेंगे, सिल्ट करेंगे। अदर एग्जांपल ऑफ सॉइल आर सैंड, लोम, पिट एटीसी। सैंड का अलग अलग, अगर सॉइल का अलग अलग एग्जांपल्स बोले तो क्या हो जाएगा, सैंड, लोम, ये सब एग्जांपल्स है, ठीक है। पहला तो हो गया कि सॉइल, दूसरा क्या है हमारा, एग्रीगेट्स। तो एग्रीगेट्स किसको बोलते हैं, देख रहे हैं, द इनर्ट मिनरल फ्रेगमेंट एंड पार्टिकल्स फॉर्मिंग अ मेजर पोर्सन ऑफ द रोड पेवमेंट आर नॉन एज रोड एग्रीगेट। क्या बोलता है, इनर्ट मिनरल। अब इनर्ट मिनरल मतलब क्या होता है, अब ऐसा तो नहीं
अब एक बात बताइए, बड़े रॉक्स रॉक से ही तो एग्रीगेट होता है, चाहे वो कॉर्ड्स हो या फाइन हो, ठीक है ना। एंड पार्टिकल्स फॉर्मिंग अ मेजर पोर्शन ऑफ रोड, सही बात है। रोड में सबसे ज़्यादा एग्रीगेट ही देखोगे आप, सबसे ज़्यादा एग्रीगेट ही देखोगे, क्यों, ये मेजर रोल निभाता है किसको, रोड को बनाने के लिए, इसको रोड एग्रीगेट्स भी बोलते हैं। इट इज़ बेसिक मिनरल मटेरियल फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, इट इज़ यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग पेवमेंट इन सीमेंट कॉन्क्रीट, बिटुमिन कॉन्क्रीट एंड अदर बिटुमिनस कंस्ट्रक्शन। पता है एग्रीगेट का सबसे खास बात क्या है, ये दोनों के लिए प्रोवाइड किया जाता है या दोनों में होता है, किस 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 में, बिटुमिन वाले में भी, सीमेंट वाले में भी। अगर सीमेंट वाले की बात करें तो सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट, और बिटुमिन की बात करें तो बिटुमिन कॉन्क्रीट पेवमेंट, है ना, या अदर बिटुमिनस कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा तो उसमें एग्रीगेट मस्ट है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रोड का एग्रीगेट, एग्रीगेट जो है टाइप्स ऑफ रोड, रोड में जो एग्रीगेट यूज होता है, किन किन टाइप्स के एग्रीगेट होते हैं, पहला क्रस्ट स्टोन एग्रीगेट, दूसरा ग्रेवल, तीसरा सेंट, चौथा स्लैग, और भी ढेर सारे यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पर चार चीज़ों का जिक्र किया हुआ है। दिस टाइप ऑफ रोड एग्रीगेट इज ऑब्टेन बाय क्रशिंग ऑफ स्टोन बाय यूजिंग जॉ एंड रोलर क्रशर टू द रिक्वायर्ड साइज। द स्टोन आर डेराइव्ड फ्रॉम रॉक्स बाय क्वेरिंग कॉमन स्टोन्स यूज फॉर एग्रीगेट्स आर ब्लास्ट, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन एक्सेट्रा। ये जो ब्लास्ट, ग्रेनाइट और लाइमस्टोन है, ये एग्जाम्पल्स है किसका, क्रस्ट स्टोन एग्रीगेट का। ये कहाँ से ऑब्टेंड होता है, क्रशिंग से, किसको, स्टोन को, किसके सहारे, जॉ और रोलर क्रशर के सहारे, ठीक है ना। द स्टोन आर ड्रैग फ्रॉम रॉक्स, सही बात है। क्वेरिंग, क्वेरिंग मतलब क्या होता है कि नीचे से निकालना, ठीक है ना। ग्रेवल क्या होता है, दीज आर राउंडेड एंड स्मूथ पेबल्स, पेबल्स मतलब क्या होता है, छोटे छोटे कंकड़, और रॉक्स फ्रेगमेंट अबव 2 mm साइज, 2 mm साइज से ऊपर वाले को ग्रेवल बोलते हैं। ग्रेवर और हैंडर, हैडर, हार्डर रॉक्स ऑफ 5 to 10 cm इन डायमीटर आर यूज फॉर रोड एग्रीगेट। 5 से 10 cm अगर डायमीटर का एग्रीगेट है तो रोड एग्रीगेट के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टेम्बल ग्रेवल, ग्लेशियल ग्रेवर, बीच ग्रेवर, ग्रेवल, ठीक है ना, ये सब एग्जाम्पल है। सेंड है, इट इज़ नेचुरल मटेरियल ऑप्टेन फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ स्टोन, फिर वही वाला बात है कि सेंड कैसे होता है, वेदरिंग कंडीशन। इट कंसिस्ट ऑफ एंगुलर, इरेगुलर और राउंडेड लूज क्रेन ऑफ सिलिका पासिंग द 10 mm IS सीप, 10 mm के सीप से जो पास कर जाए IS सीप से, उसके उसे हम सेंड बोलते हैं। इट मे बी नेचुरल सेंड और आर्टिफिशियल सेंड, दैट इज रिवर सेंड, सी सेंड, ठीक है ना, ये सब क्या होता है, इससे सेंड हम लोग लेते हैं। स्लैग, इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ एलुमिना सिलिकेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मिनरल दैट आर फॉर्म्ड इन सम बेसिक इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक से स्लैग प्राप्त होता है। इट इज यूजुअली ऑब्टेन बाय अ बाय प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस एंड इज यूज फॉर रोड एग्रीगेट, ये भी रोड एग्रीगेट के लिए यूज हो रहा होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, बिटुमिन तीसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बिटुमिन, ठीक है। अ हाइड्रोकार्बेनियस मटेरियल ऑफ आइदर नेचुरल और पायरोजेनियस ओरिजिन, इट इज सॉल्यूबल इन कार्बन डिजॉल्व, इट मे बी इन सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। इट कंसिस्ट ऑफ 85 पार्ट्स ऑफ कार्बन, 12 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 3 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ बिटुमिन। 85 पार्ट क्या होता है कार्बन का, C85, 12 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन H2L और 3 पार्ट ऑफ O3, 3O भी बोल सकते हैं। तो ये तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ बिटुमिन है। द सोर्स ऑफ बिटुमिन इन नेचुरल असफाल्ट और पेट्रोलियम, बिटुमिनस इज एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग डिफरेंट बिटुमिनस रोड पेवमेंट, इट इज यूज्ड फॉर स्टेबलाइजर, फॉर कंस्ट्रक्टिंग स्टेबलाइजर रोड ऑफ स्टेबलाइजिंग द रोड अर्थ रोड। क्या बोलता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिटुमिन, अगर नहीं रहेगा तो आप एग्रीगेट को किस चीज़ से आप अपने भाषा में बोल सकते हो, चिपकाना है ना, कैसे करोगे बिटुमिन के सारे। बिटुमिन का प्रॉपर्टीज़ क्या है, इट इज़ मोस्टली अवेलेबल इन सॉलिड और सेमी सॉलिड स्टेट, सही बात है। हम गर्म करके फिर इसको क्या करते हैं, पिघलाते हैं और लिक्विड फॉर्म में करते हैं। इट इज़ ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक इन कलर, ठीक है ना। इट पसेस एडहेसिव प्रॉपर्टीज व्हेन सॉफ्टन बाय हीट, व्हेन हीटेड इट मेल्ट्स एंड गिव्स दिस इंटीग्रेटेड ऑर्डर, उसका स्मेल देखना अजीब रहेगा। व्हेन हीटेड इट इज़ कम्प्लीटली सोलबल इन कार्बन
कार्बन में सॉल्युबल होता है, फॉर्म्स ऑफ बिटुमेंस इट्स यूज, ये पढ़ेंगे जो कि हमारा यूनिट 4 का सेकंड पार्ट होगा, राइट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड पेवमेंट एंड मटेरियल्स का। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा एग्रीगेट के बारे में, सॉइल के बारे में, और बिटुमिन का थोड़ा सा पार्ट पढ़ा है ना। ये स्टार्टिंग है, इसमें हम बस मटेरियल्स के बारे में जानकारी ले रहे होंगे कि पेवमेंट के को तैयार करने में किन किन मटेरियलों का यूज हो रहा होता है और उसकी प्रॉपर्टीज कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, केमिकल कंपोजिशन क्या है ना, फंक्शंस क्या है, ये सब हम लोग जानकारी ले रहे होंगे इस यूनिट में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़, थैंक यू।